आप देख रहे हैं सात न्यूज, मैं रिजवी। जैसे कि पूरे बिहार में नगर निकाय नगर निगम चुनाव शवाब पे है, उसी कड़ी में पटना नगर निगम चुनाव भी अपने शवाब पर पहुंच चुका है। वो मेयर प्रत्याशी हो, डिप्टी मेयर प्रत्याशी हो या वार्ड पार्षद प्रत्याशी हो, तमाम लोग अपने समर्थक के बीच में जा रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं और जोश व खरोश के साथ अपनी तैयारी में लग चुके हैं। जैसा कि तमाम वार्ड पार्षद को अपने अपने सिंबल भी मिल चुके हैं। उसी कड़ी में वार्ड 57 में लोगों से जाना, लोगों से राय जाना कि इस वार्ड में क्या कमियाँ हैं और क्या क्या चीज़ कैसे दूर हो गया और किसको जिताया जाए और कौन किसको वोट दे रहा है, ये जानने के लिए निकली मेरी टीम एसआर की। लोगों ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं अपने चैनल पे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद। क्या लगता है इस बार चुनाव होने जा रहा नगर निगम का, वार्ड 57 से कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जिसको आप वोट देना चाहेंगे? उनकी पत्नी भी है कि काम जो अच्छा से करेगी। मतलब इससे पहले जो था काम वाम आपके वार्ड में कैसा हुआ? काम कुछ हुआ, काम जहाँ कहीं नाली जस के तस्से है, कहीं कहीं पानी जमल है, रोड कबरल है। तो इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं आप लोग? परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए तो इनको चुने हम लोग हैं। किनको चुने? विनोद गुप्ता जी के, ममता गुप्ता जी के चुने हैं। क्या लगता है सर, वार्ड 57 में परिवर्तन होगा कि जो होगा? काम करेंगे अगर जीत जाएंगे? जी, है विश्वास जी, उनका भरोसा है और इनको जिताएंगे। जो पहले वाले थे काम किए नहीं, वो कुछ नहीं किए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम लाला पासवान हुआ। क्या लगता है इस बार जो नगर निगम चुनाव है वार्ड में आपके, परिवर्तन होगा कि पहले वाले को है, क्या है? आज 20 साल से चुनाव हो रही है हमारे वार्ड नंबर 57 में, जो आज तक वार्ड नंबर 57 का विकास नहीं हो चुका। जो आज देखा जाए कि आज वार्ड नंबर 57 में आज तक सरकारी स्कूल एक भी प्रावधान नहीं है, समझ गए? राशन किराशन सही समय पे मिलता नहीं है। ये महीना ख़त्म हो जाएगा, दूसरे महीना पर मिलेगा, दूसरा महीना ख़त्म हो जाएगा, तीसरा महीना पर मिलेगा। आप देखा जाए पूरे पटना महानगर में 75 वार्ड में अभी तक सभी वार्ड में राशन किराशन बट गया है। वार्ड नंबर 57 में अभी वितरण होने के लिए शुरू हुआ, जिसमें देखा जाए कि अभी पर्व का समय है। आप बताइए कि अभी शुरू हुआ है तो कब तक राशन मिलेगा? तो इस बार चुनाव में क्या लगता है? इस बार चुनाव में हम लोग अपने से संतुष्ट रूप से चुना है, हमारे ममता गुप्ता को हम लोग भी अपने तहस दिल से हम लोग उनको मदद करेंगे और उनको जिता के लाएंगे, इसलिए कि आगे वो पार्षद रह चुके हैं, इसलिए वो हमारे वार्ड को विकास करेंगे। जो अभी का जो पार्षद लोग जीत के आएगा उसको 5 साल फिर उसको सीखने में लगेंगे, मतलब अनुभव उनको पहले से है। हाँ, इसलिए कि चलाए हुए हैं वार्ड को, और जो अभी आएगा वर्तमान जीत के तो उसको तो समझने में 5 साल लगेगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अशरफ। क्या लगता है इस बार जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है, वार्ड 57 में किसकी लहर है, किस तरफ आप लोग अब देख रहे हैं कि आपके वार्ड का विकास हो? वार्ड का जो अभी इस आदमी को चाहिए ज़रूरत, जिस आदमी का वो एक ही आदमी वो है जनाब विनोद गुप्ता जी, और उनकी पत्नी खड़ी हुई है ममता गुप्ता जी। और इससे पहले वार्ड 58 में जनाब गुप्ता जी बहुत अच्छा चुनाव होने जा रहा। वार्ड 57 में किसको जिताइएगा जो आपके वार्ड 57 चमके? इस नगर निगम का बात ये है भैया जी कि मेरा मेयर भी सिटी का, और विधायक नंदकिशोर यादव भी सिटी का, और इन्हें राजू मेहता का वाइफ भी सिटी का, जो नाली का सर्वेक्षण मालिक है, और मेरा नाली जब साफ नहीं हुआ तो बाहर वाला अगर जीत के आएगा तो क्या यहाँ आएगा कि जाएगा? इसलिए हम लोग लोकल को चुना है, और ये मेरी बगल गिर है और मेरी घर के हैं, इसलिए हम इसको ममता गुप्ता जी को स्वच्छ अपने हिम्मत से इनको बूते जिताने की कोशिश करेंगे कि कम से कम नहीं कुछ, ये नाली का मालिक है, ये नहीं कि जन्मदाता का मालिक है। नाली और रोड हमारा पानी मिलता रहे बस इतने हैं। आप खाइए 100 में 60 खर्चा कीजिए और 40 खाइए, ये नहीं कि 100 के 100 खा जाए।